हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो 3 सालों में गाइस जैसे दिया है 65% का रिटर्न है गाइस, और कैसे इसे मिल जाता है बहुत लोग को 65% का रिटर्न। हम यहां पे इस बात का डिस्कस करेंगे। तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है और क्यों मिलता है हमें 65% का रिटर्न है से, और कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है। कैलकुलेशन करेंगे कि अगर 65% का रिटर्न मिला तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख, तो हमारे कितना का फंड तैयार हो जाता है 3 साल में गाइस। तो गाइस यहां पर देख रहे हैं बीच म्यूचुअल फंड गिव 65% रिटर्न इन जस्ट 3 ईयर। यहां पे अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड की अगर बातें करते हैं, मैं स्मॉल कैप की बातें कर रहा हूँ, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की मैं बातें कर रहा हूँ गाइस, तो यहाँ पे 65.92% लगभग 66% का ऐसा ग्रोथ दिया है गाइस। और आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल इसने दिया है ग्रोथ 55.34% का। निफोन स्मॉल कैप की अगर बातें करते हैं तो 49% का ऐसा ग्रोथ दिया है गाइस। कैनरा बैंक ऐसे दिया है 47% का, और एसबीआई 40% का ऐसा ग्रोथ दिया है गाइस। इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं तो 5 लाख रुपया है और ड्यूरेशन 3 ईयर्स का है। तो इतना हम कैलकुलेशन करते हैं 5 साल के लिए तो हमें पता चलता है वहाँ पे 25% 26% का ग्रोथ है। 10 साल के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो 21% का ग्रोथ हमें शो करता है सारा म्यूचुअल फंड में। अगर आप क्वांट पे भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको 10 साल में गाइस आपको मिलेगा लगभग 20% का ग्रोथ मिलेगा। अगर लंबे समय जब से ऐसे ये फंड लॉन्च हुआ था उस समय से अगर आप देखेंगे गाइस तो 16-17% का ऐसे ग्रोथ ऐसे देता है गाइस। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना 65% 66% का रिटर्न ऐसे कैसे मिल जाता है गाइस। आप चलते मार्केट पे देखते हैं, ये मार्केट है हमारा सेंसेक्स का। अगर हम देखते हैं तो जब से मार्केट ऐसे डाउन गया था गाइस, तो सब लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड का जितना ही पैसा लगता है या बैंक का हो इंश्योरेंस का हो जितना भी पैसा होता है गाइस सारा पैसा शेयर मार्केट में ही लगता है। तो कंपनी तो हमारे शेयर मार्केट में पैसे लगा दी गाइस। तो जब कोविड का समय था उस समय आप देख रहे हैं कि मार्केट ऐसे डाउन जा रहा था गाइस। जो लोग इस पॉइंट पे ऐसे पैसे लगाए होंगे गाइस उसका पैसा तो गाइस ऐसे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 3 गुना 4 गुना 5 गुना दिखाएगा ही, 65% ग्रोथ दिखाएगा। 65% ग्रोथ का मतलब ये होता है कि पहला साल भी 65%, दूसरा साल भी 65%, तीसरा साल भी 65% है। 55% का मतलब है गाइस कि पहला साल भी 55%, दूसरा साल भी 55% और तीसरा साल भी 55%। उसी के हिसाब से गाइस ये सारी कंपनी का मैंने यहाँ पे बताया है डाटा गाइस, और 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट का बताया है। अगर आप इस पॉइंट पे अगर 5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किए होते तो उतना तो लकी पर्सन कोई है नहीं गाइस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। हाँ, हजारों में 1-2 ऐसा होगा जो ऐसे डर पे काबू करके भी ऐसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा गाइस, या नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको डाटा के बारे में पता होता है, जो ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनी में काम करते हैं या फिर ऐसे कहीं भी काम करते हैं, उसे मालूम होता है कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे गाइस कि हमारा फंड ऐसे काफ़ी बड़ा होगा। तो हम लोग इस पॉइंट पे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे गाइस, यहाँ पे बीच में भी हो सकता है बीच में इन्वेस्टमेंट किए होंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट किए होंगे। तो हमारा अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से हमारा गाइस ऐसे यहाँ पे 55% का ग्रोथ नहीं शो करेगा। अगर आप देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 55% का इन्वेस्टमेंट पर ग्रोथ नहीं होगा गाइस, अगर आप 3 साल में भी इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो। तो यहाँ पे सबसे सोचने वाली बात है गाइस, वो कौन सा आदमी है जो म्यूचुअल फंड से पैसे बनाया गाइस, जैसे 5 लाख रुपया के इन्वेस्टमेंट पे 34 लाख रुपया का फंड तैयार किया सिर्फ 3 सालों में गाइस। अगर 2000 जब कोविड का समय था, मार्केट से पूरे